नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 27 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपकी रिलेशनशिप हार्मनीज दोनों तरफ आपकी बननी चाहिए। यानी कि एक तो आपका मन भी शांत रहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है, साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको स्थिरता बनाने के लिए सोचना चाहिए। दोनों ही तरफ से अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो देखेंगे कि आपकी परिस्थिति पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण वो निर्णय भी आप ले सकते हैं जो इतने समय से लंबित थे या डिले थे, खासतौर पर निवेश करने के संदर्भ में। कहीं ना कहीं से कोई नई परिस्थिति आर्थिक उन्नति के संदर्भ में भी आज के दिन डेवलप होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट देखने को चीजों में मिलेगा। बात करते वृषभ राशि वालों के लिए, मेहनत आज का दिन ज्यादा करा सकता है, थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड भी रह सकते हैं, चिंता तनाव अवसाद भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद आपका मन शांत होगा, परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जहां पर आपको चिंताएं हो रही थी, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये पाएंगे कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी अननोन फियर ही थी। यानी कि वास्तविकता में चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं थी जितना आपने सोच के स्ट्रेस्ड आउट होकर परिस्थिति को इतना ख़राब कर लिया। साथ ही साथ आज के दिन अपने मन को भी शांत रखने की ज़रूरत है। कामकाज के दौरान कहीं भी स्ट्रेस लेने की, फालतू में ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में ऑलरेडी चल रही हैं। किसी व्यक्ति विशेष के सलाह के ऊपर आप काम कर सकते हैं, खास तौर पे अगर वो जॉब चेंज करने के संदर्भ में हो तो। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने ऊर्जावान होते हैं और कितने चैलेंजेस को लेने के लिए आप रेडी हैं। कार्य क्षेत्र में फर्स्ट हाफ के दौरान आपको चीजों को असिमुलेट करने में या कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दिन की शुरुआत में आलसी भी आप हो सकते हैं या आलस आपको सता सकता है, या आप चीजों को डिले करने की अवस्था आपके मन में बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपनी परिस्थिति को कंट्रोल में करने के लिए उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जहां पर आपको लगता है, या आप कहीं कहीं अपनी चीजों को ढीलेपन के कारण छोड़ देते हैं, यानी कि रिलेशनशिप एस्पेक्ट, तो वहां पर आज के दिन कंट्रोल बनाने की सख्त जरूरत है। ये अगर आप अपना कम्युनिकेशन लेवल सही रखेंगे तो आपका विस्तार कंट्रोल बनता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही साथ परिवार के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आज के दिन ले सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपका ठहराव बनता हुआ नजर आएगा। उन सभी मुद्दों को आप आज के दिन एड्रेस कर पाएंगे जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज करते हैं। एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपकी परिस्थितियों को और बेटर करेगा। साथ ही साथ आज के दिन सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आपने विगत कई महीनों से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, अब आर्थिक दृष्टिकोण से वो विस्तार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस चलता रहेगा, पनपता रहेगा, कोई कम्युनिकेशन गैप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, तो आप कार्य क्षेत्र में भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों का, या फिर आप वहाँ पर भी स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कार्य क्षेत्र में अगर विस्तार चाहिए तो आज के दिन घर की परिस्थितियों को मूवमेंट के दायरे में लाने की कोशिश करें, यानी कि स्थिरता पहले बनाने की कोशिश करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आज के दिन आप नई परिस्थितियों को, नई विचारधाराओं को जन्म दे पाएंगे, किसी नए काम में आप लग पाएंगे, किसी मित्र की, किसी व्यक्ति विशेष की आप मदद कर पाएंगे और उसके लिए आपको गुड विशेज या कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड्स, कोई लीगल पेपर भी साइन हो सकता है। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव, खास तौर पे अगर कोई लीगल केस चल रहा है परिवार में, तो उससे भी आपको विक्टोरियस है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ विचलित ना होए, जो आपके अगर पैसे कहीं से रुके हुए होंगे, रुका हुआ धन, वो भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ऊपर आज के दिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के दिन आप अपने मन को शांत करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, कोई भी चॉइस आप कर सकते हैं जो आपके मन को शांत करती हुई परिस्थिति जाए। साथ ही साथ विस्तार जब आपके परिवार में शुरू हो चुका है, अगर आप देखें 6 महीना पहले जो पारिवारिक स्थिति थी, जो आप स्ट्रेस्ड आउट थे, आज के दिन वो आपको थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में आगे मूव करती हुई नजर आएगी। लेकिन
आप अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही चिंतित होकर खराब करते हैं। इसलिए आज के दिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बैलेंस बनाएं और निर्णय सही समय पर लें, डिले ना करें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, तो आप स्थिरता बना पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको निर्णायक कहीं पोजीशन मिल सकती है जहां पर आप निर्णय करेंगे। अब चाहे वो कार्य क्षेत्र में आप कोई महत्वपूर्ण निर्देश दें किसी को या निर्णय लें, या आपके निजी जीवन में आप कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पाए जाएंगे। ये निर्णय अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरे अगर आप वातावरण को देखें तो पॉजिटिव एक इंडिकेशन लेकर आएगा। साथ ही साथ आपके द्वारा लिया गया निर्णय आज का आपके अगले 3 या 6 महीने की स्थिति, आर्थिक स्थिति को भी निर्णायक पक्ष ये लेकर जाएगा। साथ ही साथ आपकी सिचुएशंस भी बेटर होंगी। मसलन अगर आपको आज के दिन कोई निवेश करने की सोचते हैं और आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 से 6 महीने की सिचुएशन, उसकी अवस्था किस तरह से, अगर आपने कोई ऋण लिया है तो उसका पे आउट कैसे, ये सारी सिचुएशंस होंगी, ये बेटर प्लान आउट आज के दिन आप कर पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिरता का आपको कहीं ना कहीं अभाव नज़र आएगा। सो वहां पर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। साथ ही साथ न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू असाइनमेंट, अगर कार्यक्षेत्र में वर्क प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी आपको आज के दिन तनाव में डाल सकता है। इसलिए आज के दिन आपको उस ये भी एक एंग्जाइटी हो सकती है कि रिजल्ट्स डिलेड हो रहे हैं या आपके पक्ष में नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता दूं इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि आपने जितना परिश्रम, जितना दिमाग, जितनी आपने एफर्ट्स डाले हैं, ये परिस्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी, पर ज़रूरी नहीं है वो दिन आज हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिविटी के दायरे में आ चुकी हैं। जो डिले हो रहा है वो आज या कल की बात है, निश्चित रूप से आपके लिए परिस्थितियां बेटर होंगी आज के दिन। लिक्विड डाइट का प्रयोग ज़्यादा करें, फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करें, तनाव रहित रहने की कोशिश करें। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आप महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ स्थिरता आपके लिए आप खड़ी कर पाएंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रायोरिटीज़ को कैसे टेकअप करते हैं, किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मिनिमम आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट अपने लिए निकाल पाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन बिजनेस दृष्टिकोण से रेवेन्यू जनरेशन के कहीं ना कहीं कुछ तरीके आपको देखने को मिलेंगे, परिस्थितियाँ आपकी बेटर होते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके परिवार में अगर आपकी कोई कहीं पर आपको लगता है कि उपस्थिति ज़रूरी है तो वहां पर परिवार के लिए भी आप अवेलेबल हो, या परिवार में अगर आपको लगता है कोई आपका उत्तरदायित्व रह गया है तो उसकी भी पूर्ति आज के दिन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप उन रिश्तेदारों से भी मिल पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे जहाँ से आप काफ़ी समय से कट ऑफ थे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन बेहतरीन तरीके से सिचुएशंस आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मन आपका स्ट्रांग हो रहा है, निर्णायक परिस्थिति में अब आप आ चुके हैं। कुल मिला के आगे क्या करना है, 6 से 7 महीने की प्लानिंग तो आपने करके रखी हुई है। डिले जो अगर हो रहा है तो ये वास्तविकता में जो अब ये परिस्थिति आपकी, अगर मैं एक्सटर्नल देखूँ कोविड की वजह से कहीं पर आपका आर्थिक हिट भी उसको कहीं ना कहीं इस करंट परिस्थिति से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब सिचुएशंस आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपका मन शांत रहेगा, परिस्थितियां आप कंट्रोल में रख पाएंगे और बखूबी तरीके से आगे चल पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आज के दिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो उसमें भी आप इजाफा होते हुए देखेंगे। स्वास्थ्य और मन दोनों ही आपका पॉजिटिविटी के दायरे में आ चुका है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपका मन शांत रहेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नया काम करने का जो आपने बीड़ा उठाया है उसमें आप अब महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ आपके बॉसेस या जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मन शांत रहेगा, साथ ही साथ आप उन परिस्थितियों को भी अरेस्ट कर पाएंगे जो इतने दिनों से आप नेगेटिविटी मन में चल रही थी या फिर आप उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करें, अपने मन को शांत रखें और जो बीच में आपको चिड़चिड़ापन होता है उस पर आप चेक पॉइंट लगा पाएं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने गुस्से, अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट एंड रेजुवनेट करने की ज़रूरत है तो टाइम लीजिए, लेकिन आपको अपने ऊपर समय आ गया है कि अब आप काम करना पड़ेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इशू से आप अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस तरह से अपनी पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय आप
फाइनेंसिस के संदर्भ में ले सकते हैं। पॉजिटिविटी आपके चीज़ों में बनी रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कहीं पर आपकी ट्रैवलिंग अगर इंडिकेटेड है तो वहां पर आपको कॉशस होकर चलना है, जिससे कि परिस्थितियां आपके फेवर में आ जाएं। आज के दिन आपको महत्वपूर्ण यह है कि परिवार के सानिध्य में उनके साथ में रहकर आप अपने स्ट्रेस से निकल सकते हैं या फिर बेहतर प्लानिंग कल की कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।